हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हूँ अपने चैनल पर बहुत ही बढ़िया सी काम की वीडियो जो आपके डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को सुलझाएगी, साथ ही आपके ढेर सारे काम को आसान बनाएगी। और इन टिप्स एंड ट्रिक्स को ट्राई करने में आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा, साथ ही आपकी जो है बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, आपके पैसे की बचत भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले टिप की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ एक शैम्पू की बॉटल। शैम्पू की बॉटल ऐसी है कि जब भी हम कभी टूर पर जाते हैं तो क्या होता है कि हम इसे कितना भी पैक करें लेकिन शैम्पू के निकलने का डर होता ही होता है और शैम्पू में लीकेज हो जाती है। इस टाइप की कोई सी भी बॉटल हो, शैम्पू हो, कंडीशनर हो या फिर कुछ और भी कोई क्रीम वगैरह का डिब्बा हो। वैसे तो देखिए, इस शैम्पू के साथ मुझे इस टाइप का एक क्लिप मिला हुआ था जिससे अगर हम लगा दें तो मैं इजिली इसको पैक करके सफ़र में ले जा सकती हूँ। लेकिन अगर आपको ये क्लिप ना मिले, क्योंकि ये हर शैम्पू के डिब्बे में नहीं होती है, तब आपको क्या करना होगा दोस्तों? तब आपको लेना होगा इस तरह का एक क्लिप, जो क्लॉथ पिन होता है जिसे हम अपने कपड़ों पर लगाते हैं। थोड़े से बड़े साइज का क्लॉथ पिन लीजिएगा जिससे ये इजीली लग जाए। बस इस क्लॉथ पिन को लगाकर आप इजीली इस शैम्पू की बोतल को पैक कर सकते हैं, अपने साथ कहीं पर भी इसको कैरी कर सकते हैं। दबाने पर भी शैम्पू बिल्कुल भी अलग से निकल कर नहीं आता है। जो नेक्स्ट टिप है वो लहसुन छीलने को लेकर है। लहसुन छीलने का काम सबसे उबाऊ काम लगता है, साथ ही सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है। लेकिन लहसुन छीलने का एक ऐसा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप 2 से 3 मिनट में बहुत सारा लहसुन छीलकर तैयार कर सकते हैं। जब भी आपके घर में कोई पार्टी वगैरह हो, आपको लहसुन का अचार बनाना हो, तो इस आइडिया को आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लहसुन की कलियों को तोड़कर इस तरीके से अलग कर लेना है। अब इसके बाद से लेना है आपको प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में आप रखिए कोई कटोरी या फिर कोई इस टाइप का स्टैंड जैसे मैंने डाला है। थोड़ा सा पानी लेना है, पानी में उबाल आते ही आपको ये जो लहसुन वाली प्लेट है वो इस स्टैंड के ऊपर रख देनी है। तो आप बर्तन वही चुनाव करें जो आपके प्रेशर कुकर में इजीली आ जाए। ढक्कन को लगाएंगे। अभी मैंने फ्लेम को फुल रखा है। फुल फ्लेम पर जैसे ही प्रेशर कुकर में प्रेशर बनता है उसी टाइम पर आपको गैस को बंद कर देना है। जैसे अभी मैंने इसको देखा प्रेशर बन रहा है, अब मैंने गैस को बंद कर दिया। इसको अच्छे से ठंडा होने देते हैं। जब प्रेशर कुकर से सारा प्रेशर निकल जाए तब आसानी से इजीली मतलब अच्छे तरीके से हाथ को बचाते हुए आप लहसुन वाली प्लेट को बाहर निकाल लीजिए। काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो यहाँ पर मैंने लहसुन को निकाल लिया है। चलिए इसको चेक करते हैं। अभी यहाँ पर लहसुन जो है अच्छे से भाप में सॉफ्ट हो जाती है। इसके छिलके इतने बढ़िया से सॉफ्ट हो जाते हैं कि आप जैसे ही इसको निकालने की कोशिश करेंगे, ये देखिए लहसुन के छिलके बहुत ईजीली तरीके से उतर जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि हम ढेर सारा लहसुन छीलना चाहते हैं, हमें नहीं समझ में आता हम कैसे छीलें, तो इस तरह से ढेर सारे लहसुन को भाप दिलाकर आप बहुत अच्छे तरीके से ढेर सारे लहसुन को बहुत ही कम टाइम में छीलकर तैयार कर सकते हैं। और छिलका इतनी आसानी से उतरता है कि इस काम के लिए आप बच्चों को भी अपने साथ बैठा सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ही आपके नाखूनों में दर्द होगा, ना ही हाथों में कोई स्मेल आएगी, क्योंकि यहाँ पर ना ही लहसुन की स्मेल है ना ही हमारे हाथों में दर्द होता है। लहसुन बहुत ही ईजिली छिलकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट टिप है, अगर कभी हमारे नेल्स पर नेल पेंट लगी रह गई हो और रिमूवर ख़त्म हो गया हो, आपको इस टाइम पर नेल पेंट को चेंज करना है, अब बड़ी समस्या है कि आप करें क्या, तो चलिए एक आइडिया देती हूँ। इसके लिए आप कोई दूसरी नेल पेंट ले लीजिए और आपको इसको अपने उसी नेल्स पर अप्लाई करना है जहाँ पर पहले से नेल पेंट लगी हुई है। तो अच्छे से नेल पेंट को लगा लीजिए और एक तुरंत ही टिश्यू पेपर या फिर कोई सूती कपड़ा तैयार रखिए, क्योंकि हमारा जो नेल पेंट होता है उसमें पहले से ही जो है इस टाइप रिमूवर टाइप का कुछ मिक्स होता है, जिसकी वजह से हम अगर इसे दूसरे नेल पेंट के ऊपर रख कर इस तरह से रिमूव करने की कोशिश करें तो पुराना नेल पेंट भी उतर कर आ जाता है। तो अगर रिमूवर ख़त्म हो जाए तो इस टिप से आप अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा और नेल पेंट रह गया है तो मैंने सोचा दोबारा लगा कर इसको ट्राई कर लेती हूँ। और बस इसके बाद से जो है किसी साफ कपड़े से, किसी गीले कपड़े से नेल के साइड वाले जो कलर लग गया है उसको साफ कर लीजिए, हमारा काम आसान हो गया है। आइए देखते हैं एक और टिप। नेक्स्ट टिप है हमारे इस तरह के पेपर बैग को लेकर। अभी पेपर बैग देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि इतनी हल्की क्वालिटी के होते हैं कि हम इनमें अगर कुछ ज़्यादा अच्छा रखने की कोशिश करें तो ये फटने लगते हैं। ऐसे टाइम पर अपने पेपर बैग को मजबूत स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करें जिससे आप इसका इस्तेमाल कर सकें? इसके लिए सबसे पहले आपको पेपर बैग लेना है, इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद अब जो हमारी एक लेयर तैयार होती है वहाँ से हमें इस पर लगानी है एक अच्छी सी कटिंग, यानी कि पेपर बैग को आपको 2 पार्ट में कर लेना है। तो सिंपल तरीके से इसको कट कर लीजिए। उसके बाद जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों, उसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि इस तरह के पेपर बैग अगर आपके घर में पड़े हैं तो आप बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बढ़िया अच्छी क्वालिटी के पेपर बैग्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हमें मिल गया अपना ये नीचे वाला पार्ट, इसको इस तरह से खोल लीजिए। और अब सेकेंड काम क्या करना है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको उठाइए और इस पेपर बैग के अंदर मतलब ऊपर इसको अंदर करते हुए
उस बाहर वाले पेपर बैग को आपको फिट कर देना है। देखिए कुछ यूँ इस तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। दोनों पार्ट्स को अच्छे से आपस में सेट कर लीजिए। साइड की जो डोरियाँ हैं ये बहुत ही ईजिली निकल जाती हैं, इनको निकाल कर एक बार के लिए अलग कर लीजिए, इनको फेंकना नहीं है, इनको अभी अपने पास ही रखिएगा। अब हमारा ये जो है दो लेयर का पेपर बैग आ गया है। इसके बाद से मैंने लिया है फेविकोल। आपके पास फेविकोल नहीं है तो कोई सा भी ग्लू ले सकते हैं, ग्लूगन से लगा सकते हैं या फिर आप डबल टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। फेविकोल लगा लगा कर चारों तरफ से ऊपर वाले हिस्से को अच्छे से स्टिक कर लीजिए। मैं इसलिए स्टिक कर रही हूँ जिससे हम इसकी डोरियाँ अच्छे से लगा सकें। नीचे का पार्ट अगर आप छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चारों तरफ से अच्छे से इसको स्टिक करना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर चारों तरफ से फेविकोल लगाया है, अच्छे से स्टिक कर लिया है। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, हमारे पास जो डोरियाँ रखी हुई हैं तो उनके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पेपर बैग के आर पार इस तरीके से छोटा छोटा छेद कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने एक मोटा सा सूजा टाइप का लिया है, आपके पास सुई वगैरह है तो उससे भी कर सकते हैं। बस अब ये डोरी को डालिए, डोरी आप देखिए वैसे ही भी बहुत अच्छे से फिट हो जाती है। इसको फिट करने में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। डोरी हमारी फिट हो गई है, अब लीजिए हमारा बढ़िया सा मोटा अच्छा स्ट्रॉन्ग पेपर बैग बनकर तैयार हो गया। अब चूंकि ये दो लेयर का है तो हम इसमें जितने चाहे वजन उठा सकते हैं। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो इसमें अपने बहुत सारी चीज़ें रख कर ले जा सकते हैं। आप मार्केट जा रही हैं तो इसमें आप सब्जियाँ रख कर ला सकती हैं, क्योंकि अभी ये काफ़ी बढ़िया तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है। या फिर आप मार्केट वगैरह जा रहे हैं, कुछ भी आपको लेकर आना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। घर में रखकर इसको ऑर्गेनाइजर बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऑफिस जो लोग जाते हैं तो कम से कम एक टिफिन और एक बॉटल या फिर एक छोटा फ्रूट लंच का जो उनका डिब्बा होता है, इतनी सारी चीज़ें तो होती ही होती हैं, और ये तीनों चीज़ें ईजिली आप इस पेपर बैग में कैरी करके ले जा सकते हैं। देखने में भी अच्छा लगता है, क्लासी लगता है, और हम इसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं। कैसी लगी टिप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं आज की एक और यूजफुल टिप। ये यूजफुल टिप है पुराने दिए को लेकर। मेरे पास एक बड़ा दिया है जिसको मैं यहाँ पर एक सूती कपड़े में रैप कर रही हूँ। सूती कपड़े में हम क्यों रैप करेंगे, आइए आपको आगे बताती हूँ। तो दिया आपको वही लेना है जो आपने पहले से इस्तेमाल किया हुआ हो। अगर आपके पास बड़ा दिया नहीं है तो आप छोटे दिए का भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ा दिया लेने के बाद एक कपड़े में डालिए और उसके बाद से बेलन से इस दिए के करने हैं टुकड़े। तो बेलन से मारने पर आप देखेंगे कि पहले बहुत जल्दी इसके टुकड़े नहीं होते, क्योंकि दिया भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है अगर हम बड़े दिए का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। छोटा दिया है तो वो फिर भी जल्दी टूटता है, तो मैंने यहाँ पर बड़ा दिया लिया है। अच्छे से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। टुकड़े इतने ही करने हैं, पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ छोटे टुकड़े करने हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर हमारे दियों का छोटा छोटा टुकड़ा तैयार है। अब इसको आप ले लीजिए, किसी बर्तन में निकाल लीजिए, और इसके बाद से इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी, और देखकर आप खुद भी चौंक जाएंगे कि क्या इन जगहों पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों ये मैंने एक पूरे दिए का चूरा ले लिया है, इसको लेकर चलते हैं हम अपने किसी प्लांट्स के पास। आपको जो प्लांट की मिट्टी है ना उसके ऊपर इन दिए के टुकड़ों को डाल देना है। अब चूंकि यहाँ है गर्मियों के दिन, गर्मियों के दिन में क्या होता है, हम कितना भी पानी डालें गमलों में से जो पानी होता है वो ख़त्म ही हो जाता है। तो दियों के टुकड़े क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, और देर तक ये क्या होता है कि नमी बनाए रखते हैं मिट्टी में। ये नमी बनाने का बहुत अच्छा सा काम करते हैं, क्योंकि ये मिट्टी ऐसी है पकी हुई जिसमें अगर हम पानी डालें तो पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और मिट्टी के अंदर नमी बना कर रखने का काम करता है। या फिर ये कह सकते हैं कि एक तरह के फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। मिट्टी अगर आपके पास कम है, आपने सॉइल ज़्यादा डाली है, खाद वगैरह ज़्यादा ली है, तो मिट्टी की जगह पर भी इन दियों के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट टिप है प्याज को लेकर। प्याज हम जब भी चॉप करते हैं तो उससे मतलब प्याज चॉप करते समय ही आप देखते हैं आँखों से कितने ज़्यादा आंसू होते आते हैं। तो जब गर्मियों के दिनों में आपको प्याज चॉप करना हो तो उससे पहले ये वाली टिप जरूर ट्राई करके देखिएगा। इसके लिए आपको प्याज को लेकर चलना है अपने फ्रीजर में। प्याज काटने से थोड़ी देर पहले 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए प्याज को फ्रीजर में डाल दीजिए। 5 मिनट के लिए फ्रीजर में डालिए और फिर निकाल कर प्याज को काटिए। आप देखेंगे कि आपकी आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं आते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मिलेंगे मेरे नए वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।